नमस्कार, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि नींबू को आप कैसे बहुत दिनों तक सुरक्षित रख पाएंगे। ये देखिए, ये नींबू जो है 6 से 7 दिन हो गया है, तो कुछ दिनों के बाद ऐसे इस्तेमाल नहीं करने से ऐसे सूखने लगता है और हमारा नींबू जो है ख़राब होने लगता है और काम में नहीं आता और फेंक देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे ताकि ये बहुत दिन तक रहेगा। नींबू को ऐसे हम काट लेंगे। अगर आपके पास अच्छा नींबू है और इसको भी आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। मैंने 10 से 12 नींबू लिया है और इसको हम रस निकाल लेंगे एक एक करके। और आप इस तरीके से आप जब रखते हैं तो आप कहीं जाते हैं बाहर तो आपको तुरंत ये नींबू का रस मिल जाता है। तो इसमें मैंने सारे नींबू का रस निकाल लिया है और इसमें हम डाल देंगे पानी थोड़ा सा, हाफ कप के करीब, और इसको हम छान देंगे ताकि एक दो बीज भी रह जाए तो निकल जाएगा। और अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें इतना 1 या 1.5 कप नींबू का रस में आपको 250 ग्राम के करीब चीनी मिलाना है, खाली चीनी का बनाना चाहें तो। मैं 2 तरीके से बना रही हूँ, एक चीनी वाला और एक बिना चीनी वाला। कभी कभी हमें बिना चलो चीनी का ज़रूरत होता है और कभी कभी चीनी वाला, तो मैं 2 तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी। तो इसमें हम एक जो चीनी वाला है इसमें हम चीनी डालेंगे 1/2 कप नींबू का रस में, लगभग 8 से 10 चम्मच जो है चीनी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी घुलने तक इसको मिक्स करना है ताकि पूरी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो अभी हमारा दोनों जो नींबू का रस है रेडी है। तो इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, ऐसे जो एक फ्रिज जैसे हमारा आइस क्यूब मोल्ड है इसमें हम दोनों में डाल देंगे। एक चीनी जो जिसमें चीनी मैंने डाला था उसको भी हम दूसरा वाला मोल्ड में मैं डालूंगी और एक बिना चीनी वाला ये वाला मोल्ड में डाल रही हूँ मैं। तो दोनों मोल्ड में आप डाल दें। तो इस तरीके से आप जब रखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपको। जब भी आप काम का फुर्सत हो तो उस टाइम आप ये जो नींबू का रस है निकाल के इस तरीके से आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं बताऊंगी आपको। तो इसको आप फ्रीजर में रख दीजिए और जब आपको ज़रूरत है तभी आपको निकालना है। जब आपको ज़रूरत है उस टाइम आपको मोल्ड में से जो आइस क्यूब मतलब नींबू का क्यूब है उसको निकालना है। तो पहले मैं गर्म वाला पानी का दिखाऊंगी। सुबह सुबह आपको शहद वाला नींबू पानी चाहिए तो उसके लिए आप गर्म पानी से थोड़ा सा और गर्म लेना है और बिना चीनी वाला जो है नींबू का क्यूब इसमें 3 से 4 डालना है और इसमें आप शहद मिलाएं 1 चम्मच। तो ये तुरंत रेडी हो जाता है। आप ध्यान रखें कि गरम से थोड़ा सा और ज़्यादा गरम होना चाहिए, 2 से 3 आइस क्यूब, और उसके बाद 1 चम्मच जो है शहद डालना है। ये जो है आपको सुबह सुबह पानी पीने के लिए तैयार हो जाता है आपका शहद वाला नींबू पानी। और एक जो है हम कभी बाहर से आते हैं तो तब ठंडा पानी हमें ज़रूरत होता है नींबू का मीठा वाला, तो इसके लिए आप फ्रिज का पानी या कोई भी ठंडा पानी इसमें ले लीजिए। और इसमें भी आपको 3 से 4 जो नींबू का मीठे वाला क्यूब है उसको मिलाना है। तो इसमें आपको चीनी डालने की या फिर नींबू निचोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट पीने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपका दोनों तरीके से का पानी जो है तैयार है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ, शेयर जरूर करें। थैंक यू।